नमस्कार बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका स्वागत है। आज आप अपनी पुस्तक व्याकरण दीपिका भाग चार के पाठ छह संज्ञा पढ़ेंगे। बच्चों, संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। इस पृष्ठ में सबसे पहले एक भवन दिखाया गया है, जिसके आसपास कुछ और भी भवन हैं, पेड़ पौधे हैं, रास्ता है, और बाईं तरफ इसके बारे में कुछ लिखा गया है। आइए अब हम जानते हैं कि इस छोटे से अनुच्छेद में क्या लिखा गया है। यह मेरा विद्यालय है, अर्थात यह जो भवन का चित्र आप देख रहे हैं, यह एक विद्यालय है। इसका भवन विशाल है, गमलों में फूलों के पौधे हैं, यहाँ 1000 छात्र पढ़ते हैं। सब शिक्षक योग्य हैं, वे छात्रों को सच्चाई और ईमानदारी सिखाते हैं। बच्चों, अब इसके बाद आपको कुछ शब्द समझने के लिए दिए गए हैं। वे क्या शब्द हैं? देखिए, यहाँ पर अनुच्छेद से चुनकर एक शब्द दिया गया है, प्राणी। उसके बाद वस्तु, स्थान और भाव। तो बच्चों, ये चारों शब्द आपको क्या दिखाते हैं? आप ध्यान से देखिए तो आप देख पाएंगे कि ये चारों शब्द अलग अलग रंगों में लिखे गए हैं। प्राणी नीले रंग में, वस्तु गुलाबी, स्थान हरा व भाव को लाल रंग से लिखा गया है। प्राणी का अर्थ है छात्र और शिक्षक। वस्तु हैं फूल व गमले, स्थान हैं विद्यालय व भवन, और भाव हैं सच्चाई व ईमानदारी। बच्चों, यह सभी शब्द इस अनुच्छेद में दिए गए हैं। ये देखिए, विद्यालय, भवन, गमलों, फूलों, छात्र, शिक्षक, सच्चाई और ईमानदारी। बच्चों, विद्यालय व भवन स्थान है, गमलों, गमले व फूल वस्तु हैं, छात्र व शिक्षक प्राणी हैं, व सच्चाई और ईमानदारी ये क्या है? ये भाव है। इस प्रकार हम इन चारों शब्दों के द्वारा आपको यह समझाने का प्रयास किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, इनका नाम संज्ञा कहलाता है। बच्चों, इस परिभाषा को आप इस प्रकार याद करेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा क्या है? संज्ञा नाम है। किसी वस्तु को पहचानने के लिए, समझने के लिए, उसके बारे में किसी अन्य से बात करने के लिए आपको उस वस्तु, उस व्यक्ति, उस स्थान या मन का भाव, इन सभी को एक नाम दिया गया है। नाम देने से उस चीज़ के बारे में बात करना हमारे लिए बहुत ही सुलभ और आसान हो जाता है। इसलिए दुनिया में जितने भी भाव हैं, जितने भी स्थान हैं, जितने भी वस्तु हैं,
और जितने भी व्यक्ति हैं इन सभी के जितने भी नाम हैं वे सारे संज्ञा हैं। अब आप संज्ञा के भेदों को भी समझेंगे। बच्चों, संज्ञा के यहाँ पर तीन भेद बताए गए हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा व तीसरा है भाववाचक संज्ञा। बच्चों, यह तीनों संज्ञा के भेद बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनके अंदर संज्ञा पूरी संज्ञा को समाहित करने का प्रयास किया गया है ताकि आप संज्ञा के रूप को समझ सकें और जान सकें कि कोई भी शब्द वो कौन से संज्ञा के किस भेद के अंदर आता है। तो आइए अब हम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का उदाहरण देखकर उन्हें और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब यहाँ पर दो चित्र आपको दिखाए गए हैं। दो चित्रों के नीचे एक एक वाक्य लिखे गए हैं। पहले चित्र के नीचे लिखा गया है, राम ने रावण को मारा। दूसरे चित्र में लिखा गया है, ताजमहल सुंदर है। तो बच्चों, यहाँ पर आप कैसे समझेंगे कि कौन सा शब्द प्रॉपर नाउन है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? इसके लिए आइए हम आगे पढ़ें। राम और रावण विशेष व्यक्तियों के नाम हैं। ताजमहल विशेष इमारत है या विशेष इमारत का नाम है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या विशेष स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। एक बार पुनः दोहराएं, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण हैं दिल्ली, हिमालय, भारत, गंगा, ताजमहल, राम, रावण, रामायण, कृष्ण, मथुरा, रोहन, गीता, सीता, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, पटना, बेंगलोर, कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमालय जो कि पहले ही दे दिया गया है आपको, इसके अलावा कंचनजंघा, आनंद भवन, चंद्रशेखर आज़ाद। तो बच्चों, इस प्रकार ऐसे सभी नाम जो खास हैं, जो विशेष हैं, वे सभी आएंगे व्यक्तिवाचक या प्रॉपर नाउन के अंदर। तो आप यह चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि जैसे आपकी कक्षा में कोई लड़का है, लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम है संघर्ष। तो आप क्या समझेंगे, संघर्ष क्या है? संघर्ष एक लड़का है, परंतु संघर्ष नाम किसके अंदर आएगा, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? तो बच्चों, क्योंकि लड़के का नाम संघर्ष है, इसलिए संघर्ष व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा व लड़का जातिवाचक संज्ञा होगा, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसी प्रकार आपके शिक्षक का नाम है, सपोज कीजिए मीनाक्षी, आपके शिक्षिका का नाम मीनाक्षी है,
तो मीनाक्षी आपकी शिक्षिका हैं। यहाँ पर बच्चों मीनाक्षी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह शिक्षिका का नाम है और यह शिक्षिका एक ही है जिनका नाम मीनाक्षी है। आपके स्कूल में यह एक ही शिक्षिका है जिनका नाम मीनाक्षी है और वे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, परंतु शिक्षिका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। यह क्या होगा? यह होगा कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। तो आइए अब हम जातिवाचक संज्ञा को समझते हैं। तो बच्चों जातिवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में कॉमन नाउन कहते हैं। अब यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं। एक चित्र में एक लड़के ने हाथ में पुस्तक ले रखी है और क्या लिखा गया है? लड़का किताब पढ़ता है। दूसरे चित्र में घोड़ा दौड़ रहा है, ऐसा लिखा गया है। तो बच्चों हमें यहाँ पर यह समझना है कि इसमें जातिवाचक संज्ञा कहाँ पर आता है या कौन से शब्द हैं जो जातिवाचक संज्ञा है। लड़का शब्द का प्रयोग सभी लड़कों के लिए किया गया है। किताब शब्द का प्रयोग सभी किताबों के लिए किया गया है तथा घोड़ा शब्द का प्रयोग सभी घोड़ों के लिए होता है। इसलिए एक जाति की समस्त वस्तुओं का जिन शब्दों से बोध होता है वे जातिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। आइए अब हम इसे परिभाषा के रूप में पढ़ते हैं। ऐसे शब्द जिनसे किसी एक जाति की समस्त वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण स्वरूप हाथी, गांव, कुत्ता, लड़की, मेज, नदी, पहाड़, चिड़िया, घोड़ा, कलम, उपन्यास, कपड़े, आदि शब्द जो किसी एक जाति के बारे में बताते हों, ना कि कोई किसी खास के बारे, खास वस्तु के बारे में या किसी एक के बारे में बताते हों, तो वे क्या कहलाएंगे? वे कहलाएंगे जातिवाचक संज्ञा। तो बच्चों आपको यह याद रखना है कि जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है। यदि आपसे किसी ने पूछा कि तुम्हारी कक्षा में जो वर्णिका है वो जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो आप क्या कहेंगे? वर्णिका, मेरी कक्षा की वर्णिका एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है क्योंकि वह एक लड़की है और उसका नाम वर्णिका है, इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है एवं उसका लड़की होना जो कि लड़की जाति के पूरे समूह के बारे में बताता है वह जातिवाचक संज्ञा है। यदि आपने मुझसे पूछा होता कि तुम्हारे कक्षा की उस लड़की का नाम क्या है, तो यहाँ पर लड़की जातिवाचक संज्ञा होगी। और यदि आपने मुझसे उस लड़की का के नाम के बारे में पूछा है तो उसका नाम हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। इस प्रकार आपको नाम में और जाति में फ़र्क करना है और उनका अंतर समझकर संज्ञा के दोनों भेदों को समझना है, पहचानना है। आइए अब हम भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझते हैं और इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर बच्चों दो चित्र दिए गए हैं। एक चित्र में फूल दिखाया गया है, दूसरे में एक बच्चा और उसके पिता दिखाए गए हैं। पहले चित्र के नीचे जो वाक्य लिखा गया है वह है फूल की सुंदरता देखो। दूसरे चित्र में बचपन में खूब पढ़ो।
बच्चों, दोनों वाक्यों में एक एक शब्द को हाईलाइट किया गया है। सुंदरता और बचपन। सुंदरता गुण है और बचपन एक अवस्था है जिसे हम जीते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? जो शब्द किसी गुण, दोष, स्वभाव या अवस्था को प्रकट करते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, इसके उदाहरण हैं मिठास, अच्छाई, मित्रता, बुढ़ापा, कायरता आदि। इस प्रकार बच्चों, आपको समझना है कि ऐसे शब्द जो न जाति के अंदर आते हैं और ना ही व्यक्ति के अंदर आते हैं, इन्हें हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। जो हमारे मन से और हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं शब्द हैं, जैसे सुंदरता, हम अपनी आँखों से सुंदरता पहचानते हैं, महसूस करते हैं, हम बचपन में जीते हैं या एक अवस्था है जिसे हम जीते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, यह दोनों भाव हैं। मिठास, अच्छाई, मित्रता, बुढ़ापा, कायरता, यह सभी भाव हैं। भाव वाचक संज्ञा के अंदर आते हैं, जैसे गुण, दोष, स्वभाव या अवस्था। आप ये चारों शब्द याद रखेंगे, ये चारों शब्दों में से आप भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत उन सभी शब्दों को रखेंगे जो, जैसे गुण। गुण में किसी के अंदर कोई बहुत ही तेज़ दौड़ता है, कोई पढ़ने में बहुत तेज है, तो ये सारे क्या है, ये उस व्यक्ति के गुण हैं। कोई बोलने में बहुत अच्छा है, कोई लिखने में बहुत अच्छा है, किसी की रचनात्मक शक्ति बहुत अच्छी है, किसी की कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है, तो ये सब क्या है बच्चों, ये सब क्या है, ये सब सारे गुण हैं। गुण तो बहुत सारे हैं, इसी प्रकार दोष भी होते हैं कुछ। जैसे कुछ लोग आलसी होते हैं, कुछ कामचोर होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, कामचोर और आलसी होना एक दोष है, तो इसे भी आप भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखेंगे। स्वभाव, किसी का स्वभाव बहुत ही मीठा है, किसी का स्वभाव उखड़ा हुआ है, कोई हर बात पर चिढ़ जाता है, कोई हमेशा खुश रहता है और दूसरों को भी खुशी देता है, ये सारे स्वभाव हैं। इसके बाद आती है अवस्था की बारी। अवस्था जैसे बचपन हो गई, बुढ़ापा, जवानी और हमारी कोई भी और अन्य अवस्था जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हो, ये सभी आएंगे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो इसलिए बच्चों, इस प्रकार मैं आशा करती हूँ कि आप सभी संज्ञा और उसके तीनों रूपों को अच्छे से समझ चुके हैं। अगली कक्षा में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। आप पाठ को एक बार पुनः दोहराएं व उसे समझने का प्रयास करें। यदि आपको कोई भी त्रुटि समझ में आती हो या कुछ समझ में नहीं आता, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।